चांदनिया बाबा कहाँ? बाबा बाबा कमरे में है और इतने गुस्से में है, उफ ना पूछो। बस बस मेरे लिए एक कप चाय बना के लाए। आ गई तुम? हाँ बाबा वो कुछ नहीं, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने उस फ्रॉडियर से नहीं मिलना, तुम फिर उससे मिल के आ रही हो। आप जानते ही नहीं है मैं किससे मिलकर आ रही हूँ। अरे मुझे पता है किससे मिलकर आ रही हो, तभी तो गुस्सा कर रहा हूँ मैं। बाबा आप कुछ नहीं जानते कि मैं किससे मिलकर आ रही हूँ आज। बताऊंगी ना तो खुशी से पागल हो जाएंगे। मैं कोई पागल वागल नहीं होता। अयान आंटी से मिलकर आ रही हूँ मैं। क्या अयान? अरे वो तुम्हें कैसे मिल गई? बकवास, वो मुझे आज तक नहीं, तुम्हें कैसे मिल सकती है वो? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, जानती थी मैं आप मुझे बिलीव भी करेंगे। ये देखें, दिखाओ, ये तो बाकी है अयान। मिली कहाँ वो? बाबा मैं बुटीक गई थी ना शॉपिंग पे, वो भी वहीं पे शॉपिंग कर रही थी। हाँ तो तुम्हें कैसे पता कि ये अयान है वो वाली? बाबा बहुत मजा आया, मैं वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी और अयान आंटी भी वहीं पे शॉपिंग कर रही थी। जब काउंटर पे बिल बना तो उनका नाम देख के पता चला कि वो भी अयान है। अच्छा, बाबा मैं तो बहुत खुश हो गई लेकिन फिर डर भी गई। लास्ट टाइम याद है ना अयान को बुलाया था, वो एक एक्टर निकली थी, पर बाबा मैंने इस बार तो कोई रिस्क ही नहीं लिया, मैंने उनके साथ पिक्चर ली। ऐसे बताओ कैसी लग रही थी? बाबा वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी पसंद। सोचिए अगर वो इस एज में इतनी ग्रेसफुल लग रही है तो जवानी में क्या लगती होंगी, इतने लोगों के दिल तोड़े होंगे उन्होंने। अरे तो पूछो ही मत, जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होती थी ना एक खुशबू सी फैल जाती थी, हवाएं चलने लगती थी, दरख्त गाना गाते थे, माहौल बदल जाता था और लड़के गिर जाते थे जमीन पे। ओह क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं मैं तुम्हें? सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता हूँ। मतलब यूनिवर्सिटी की हर लड़की की ख्वाहिश होती थी कि अयान कुछ टाइम उनके साथ गुजारे, मगर अयान अरे किसी को घास तक नहीं डालती थी। और बताए ना बाबा, और बताए उनके बारे में कुछ। क्या अच्छा वक्त, मैं अयान और वकार हम तीनों साथ साथ होते, क्या बात। वो वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बस बेटा यादें बाकी रह गई। और वो आपके फ्रेंड वकार अंकल? अरे हटो उसका तो जिक्र ही ना करो। अच्छा आप छोड़े ना, अयान आंटी के बारे में। हाँ बता बता। इतनी प्यारी लग रही थी, ब्लू कलर का ड्रेस पहनी हुई थी। उफ। हेलो जी, सलाम अलैकुम। जी मैं अयान बात कर रहा हूँ, आपको याद है उस दिन हमारी मुलाकात हुई थी अयान बुटीक में, मैं मेरे साथ मेरी फूफो थी, याद आया आपको? हाँ हाँ मैंने पहचान लिया, कैसे हो तुम लोग? फूफो कैसी हैं? ये मेरी फूफो से बात करें, फूफो से बात करें। हाँ जी हेलो, कैसी हैं आप? आपका कल ना मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, जरूरी बात है ना, अब आप वादा करें कि पहुंच जाएंगी। जी जी ठीक है मैं आ जाऊंगी, थैंक यू बाय। दन, दन। मेरी अयान को ब्लू कलर बहुत पसंद है, मैं पहन के उसके पास जाऊंगा। मेरी अयान आई लव यू। गोरी के सर पे सज के सेहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला रे, तुम मिले प्यार मिला रे। 30 साल बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी चार्मिंग ब्यूटीफुल। तुम भी कहाँ चेंज हुए, वैसे कि वैसे ही डैशिंग और स्मार्ट। पता है ये ठीक कह रहा है बिल्कुल अयान, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम भी कहाँ बदले हो, वैसे ही कलरफुल और वैसे ही नॉटी। बाय द वे मैं तुम दोनों के बच्चों से मिल चुकी हूँ, बहुत ही प्यारे बहुत ही क्यूट बुक्स। वो तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा बिल्कुल। हाँ और तुम क्या समझ रहे हो, मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगा? भूल जाओ भूल जाओ। अरे मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे लड़के से मंसूब होने नहीं दूंगा जिसका बाप तुम जैसा हो। जबान को लगाम दो इफ्तिखार, वरना काट दूंगा। अरे क्या हो रहा है, तुम लोगों ने यहाँ मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? क्या हो गया आप लोगों को, किसकी मोहब्बत की रकाबत में जल रहे हैं आप लोग? जब हम किसी को पसंद करते हैं तो इजहार भी चाहते हैं। क्या आपने शादी नहीं की वकार? आप बताइए आपने शादी नहीं की? देखें, जब हम किसी को पसंद करते हैं ना तो हम उसका इजहार भी चाहते हैं।
क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हम सबके दिलों में क्या है। आप दोनों ने दोस्त होते हुए भी कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। मुझे बताइए वकार, आपने कभी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया? आप बताइए इफ्तिखार, कभी आपने इजहार किया मुझसे? फिर मैं एक औरत होते हुए अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कैसे कर सकती थी? बताइए, जवाब दीजिए। मुझे तो इस बात का अफसोस होता है कि सारी उम्र आप लोगों ने इसी गलत फहमी में गुजार दी है कि मेरी शादी आप दोनों में से किसी एक के साथ होगी। किसी ने कभी भी हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की। दोस्त थे लेकिन खुद साख्ता रकाबत की आग में खुद को जलाते रहे, अब इसी आग में अपने बच्चों को भी जला रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं शादी कर चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड यूएस में एक बहुत बड़े हार्ट के स्पेशलिस्ट। और मैं यहाँ अपनी वालदा से मिलने के लिए आई थी और फिर अचानक आप लोगों के बच्चों से मुलाकात हो गई और फिर आप लोगों के बच्चों ने मुझे आप दोनों के बारे में ये सब कुछ बताया। देखिए वकार, इफ्तिखार, मोहब्बत सिर्फ पालने का नाम नहीं है। मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि मेरी मोहब्बत आज भी आप लोगों के दिलों में जिंदा है। क्या हो गया अगर हम लोग नहीं मिल सके या अपनी मोहब्बत को नहीं पा सके, लेकिन इसमें इन प्यारे से बच्चों का क्या कसूर है? इफ्तिखार, वकार, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती, प्लीज अपने बच्चों की शादी करवा दीजिए। अरे आयान, शर्मिंदा मत करो। अरे प्लीज, क्या कर रही हो, हाथ मत जोड़ो, क्या हो गया? तो फिर बताइए, आप दोनों शादी के लिए तैयार हैं? बताइए ना। ठीक है, तुम कह रही हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, तुम कह रही हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। थैंक यू सो मच। तो बस फिर ठीक है, दो दिन के बाद ईद है और ईद वाले दिन हम लोग इनका निकाह करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन मेरी वापसी है अमेरिका। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? चलें, आपस में गले मिलें।